एवरी वन वेलकम टू जे आर एफ अड्डा मैं दीदी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ कि पूरा सीन क्या है जैसे कि आपने थमनेल पे भी देखा होगा कि बहुत सारी कुछ गड़बड़ थी जो आप लोगों के एडमिट कार्ड्स के अंदर देखी गई इस बार के जो नई गलती एन की तरफ से हो गई थी वो ये हो गई थी कि इस तरीके से आप सभी लोगों को एग्जैक्ट आप लोगों का जो सेंटर लोकेशन है वो नहीं दिया आप लोगों को वेन्यू दे दिया गया था जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक स्टूडेंट थे जो जिन्होंने ये भेजा हमें और बताया कि मैम देखो इस तरीके से वेन्यू आई है बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका टेलीग्राम पर मुझे मैसेज मिल रहा है या कॉमेंट सेक्शन के अंदर जो बोल रहे थे कि ऐसा इशू आ रहा है कि आपको मैम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दी है सिर्फ वेन्यू बता दिया है है ना ऐसा लग रहा है कि बस वहाँ चले जाते और आसपास देख लेते जहाँ भी एग्जाम लग रहा था वहाँ जाके अपना एग्जाम दे देते तो ऐसा नहीं है और आपको लोड भी नहीं लेना था मैंने उन सब बच्चों के लिए भी यही बोला था जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज भेजा कि आप सभी लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ गलती हो गई होगी और एन टी ए इसको डेफिनेटली रिजोल्व कर देगा जो एन टी ए ने कर भी दिया है ना कुछ लगभग एक डेढ़ बजे के आसपास आप लोगों का ये देखो एन टी ए ने इसको करेक्ट करके लगभग बारह बजे तो मैसेज कर दिया था और एक डेढ़ बजे के आसपास आपका चेंज हो गई थी ये चीज कि आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम था और जो टेस्ट सेंटर थे वो सबके सब जो पहले नहीं दिख रहे थे वो भी अब आप लोगों के लिए दिखने लग गए हैं तो अगर आप लोगों ने दोबारा से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार दोबारा से जाना दोबारा से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको मांग रहा है वो डालिएगा दोबारा से उसको डाउनलोड करना और रीचेक करना अगर आपने कर लिया है तो भी एक बार कंफर्म कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर अगर नहीं किए हो तो दोबारा करके देखो और कंफर्म करो ठीक है आप ये प्रॉब्लम ज्यादातर जितने भी बच्चों से मैंने पर्सनली बात करी उनकी रिजोल्व हो गई है एक बार आप भी देख लीजिए दूसरा बच्चों का डाउट था कि मैम हमारे एडमिट कार्ड से बेसिकली जो आप हमारे टेस्ट सेंटर से वो बहुत दूर आए हैं देखो आज पाँच तारीख है आपके टेस्ट सेंटर it, आपका टेस्ट सेंटर सेंटर चेंज चेंज नहीं नहीं होंगे गाइस लेट्स फेस इट दिस इज ऑनेस्ट थिंग आपका अब होगा जो आया है वही आपका टेस्ट सेंटर है कोशिश करिए कि इस एग्जाम को जरूर दें कुछ बच्चों का बहुत दूर भी आया है सेंटर और वो इस चक्कर में सोच रहे कि एग्जाम नहीं देंगे मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा एक दिन की बात है या दो दिन की दिक्कत है दो दिन की तकलीफ है बट अगर ये एग्जाम आपकी किस्मत में लिखा है अगर लिखा है कि इस बार आप नेट क्वालिफाई करोगे और जस्ट बिकॉज लोकेशन कंस्टेंट की वजह से आप नहीं जा पा रहे हो तो मैं बस आपको इतना ही मोटिवेट कर सकती हूँ गो फॉर इट या आप ये सोच के बैठे हो कि यार नहीं मैम मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है मेरी तो चालीस परसेंट की तैयारी है पचास परसेंट की तैयारी है नहीं है मैम मैंने तो सोचा था कि इतना पढ़ लेंगे इतना हो जाएगा मैं आपको फिर बोलूँ ये चीज डों नॉट वरी एग्जाम जरूर दे के आइएगा नहीं होगा सिलेक्शन कोई बात नहीं वन एग्जाम जरूर देके आइएगा मैं आपको पूरे एक साल में इतना नहीं सिखा सकती जितना वो तीन घंटे आपको सिखा देंगे मैं अपना पहला यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2019 जून के अंदर देके आई थी मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान और मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं पहली बार मैंने प्रीवियस ईयर भी नहीं देखे थे मैं पहली बार पेपर देख देने ही इसलिए गई थी कि मुझे पेपर देखना था सिर्फ बैठ के मस्त पेपर देखा

अच्छा आएगा रिजल्ट या बुरा आएगा बस ये सोचो कि वो तीन घंटे एक एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस हमको लेके आना है भले कितनी भी परसेंट आपकी तैयारी हो इससे ज्यादा मोटिवेशन मैं आपको नहीं दे सकती हूँ कल आपका एग्जाम है गुड लक सुबह आठ बजे कल आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ आपके जो डाउट्स आपने मुझसे पूछे थे वो सारे क्लियर करूंगी आज के लिए बिजने गई थैंक यू सो मच एंड गुड लक